गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे, है ना? बच्चों, क्या आपको याद है हम सब ने पिछले वीडियो में कौन सी मात्रा वाले शब्द को पढ़ा था? बहुत अच्छे, हम सब ने पिछले वीडियो में चंद्र बिंदु वाले मात्रा को पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम उसी चंद्र बिंदु वाले मात्रा से संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं और समझते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो बच्चों, प्रश्न है देखें, समझें और पढ़ें। इसका मतलब हुआ स्क्रीन पे दिए गए शब्दों को हमें देखना है, समझना है और फिर पढ़ना है। और हाँ बच्चों, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो पहला है ता पे आ की मात्रा धन, चंद्र बिंदु धन, गा पे आ की मात्रा, अब क्या बोलेंगे इसको? तांगा। दूसरा है छोटा सा पे आ की मात्रा धन, चंद्र बिंदु धन पा, इसे क्या बोलेंगे? सांप। तीसरा है ला धन हा धन, चंद्र बिंदु धन, गा पे आ की मात्रा, तो ये बन गया लहंगा। चौथा है बड़ा आ धन, चंद्र बिंदु धन खा, ये क्या बन गया? आंख। पांचवा है बड़ा आ धन, चंद्र बिंदु धन वा, धन ला पे आ की मात्रा, ये तो बन गया आंवला। तो बच्चों, इसी तरह हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करके शब्दों को पढ़ते हैं। तो पता है बच्चों, आज हम इसी चंद्र बिंदु से संबंधित आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी कविता लेके आए हैं। क्या आप उस कविता को पढ़ना चाहोगे? बहुत अच्छे, तो चलिए हम उस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। मुर्गा बोले कुकड़ुक्कू और कबूतर बोले गुटरुगू, कुत्ता बोले भों भों भों, भालू बोले खो खो खो, चिड़िया बोले ची ची ची, बंदर बोले खी खी खी, बछड़ा बोले बा बा बा, बोले बच्चा मा मा मा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? अरे वाह, सभी को अच्छी लगी ना? पता है बच्चों, इस कविता में जानवरों की और पक्षियों की आवाज के बारे में भी बताया गया है और साथ ही साथ चंद्र बिंदु वाले शब्द भी बताए गए हैं। तो बच्चों, आज आपके गृह कार्य में हम इसी कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं और आपको क्या करना है? उस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसी कविता में से उत्तर को ढूंढकर लिखना है। तो चलिए पहले हम उस प्रश्न को देखते हैं ना। अब प्रश्न है दिए गए कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इस कविता से संबंधित पहला प्रश्न है मुर्गा कैसे बोलता है? ये तो आपको कविता को पढ़ने के बाद पता चल ही गया होगा कि मुर्गा कैसे बोलता है। दूसरा प्रश्न है गुटरुगू कौन करता है? अब ये भी प्रश्न का उत्तर तो आपको उस कविता से ही ढूंढना होगा कि गुटरुगू कौन करता है। और तीसरा है बंदर कैसे बोलता है? तो बच्चों, बंदर की आवाज उस कविता में कैसी थी, यहाँ पे आपको लिख देना है। और चौथा है मामा कौन बोलता है? तो ये तो सबसे आसान है। तो बच्चों, उस कविता में मामा की आवाज कौन निकालता था? बहुत अच्छे, फिर तो आप लिख ही लोगे क्योंकि आपने उस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।